लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी, जिसमें महाराष्ट्र की 20 सीटें शामिल है। इस बार बीजेपी ने कुछ सीटिंग सांसदों के टिकट काट कर नए चेहरों को मौका दिया। इसी क्रम में भीड़ से प्रीतम मुंडे का टिकट काटा गया और उनकी जगह राजनीतिक वनवास में रही उनकी बहन पंकजा मुंडे को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी नेतृत्व द्वारा बहन प्रीतम मुंडे का टिकट काटे जाने पर पंकजा मुंडे की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि कैंडिडेट लिस्ट में शामिल कर पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया और इसके लिए वो बीजेपी की आभारी है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी बहन प्रीतम ने 10 साल भीड़ में बढ़िया काम किया और उनका टिकट कटने पर थोड़ा दुख है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी, जिसमें महाराष्ट्र की 20 सीटें शामिल है। इस बार बीजेपी ने कुछ सीटिंग सांसदों के टिकट काट कर नए चेहरों को मौका दिया। इसी क्रम में भीड़ से प्रीतम मुंडे का टिकट काटा गया और उनकी जगह राजनीतिक वनवास में रही उनकी बहन पंकजा मुंडे को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी नेतृत्व द्वारा बहन प्रीतम मुंडे का टिकट काटे जाने पर पंकजा मुंडे की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि कैंडिडेट लिस्ट में शामिल कर पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया और इसके लिए वो बीजेपी की आभारी है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी बहन प्रीतम ने 10 साल भीड़ में बढ़िया काम किया और उनका टिकट कटने पर थोड़ा दुख है।